नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शनिवार शाम चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरकुंडा सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव शक्त विक्षत स्थिति में पुलिस ने बरामद किया था। पोस्टमार्टम के बाद मृतक महिला की शनाख्त रूपा पासवान के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए डुमरकुंडा के समीप जंगल में फेंक दिया गया था। सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद चिरकुंडा पुलिस रेस हो गई और महज 2 दिनों में ही मामले को उजागर करते हुए महिला के हत्यारे पति अनिल पासवान को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। इसी कड़ी में आज चिरकुंडा थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले की जानकारी दी गई। मीडिया से बात करते हुए एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खैरवार ने बताया कि अभियुक्त अनिल पासवान को शक था कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध है, जिसके कारण ही शिवरात्रि के पहले उसकी हत्या कर जंगल में फेंक दिया और अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चला गया। अभियुक्त अनिल पासवान ने पूछताछ के क्रम में अपने किए जुर्म को कबूल किया है। 5 मार्च को चिरकुंडा थाना अंतर्गत डुमरकुंडा नायक के मार्ग पर पता चला कि एक अज्ञात शव है वहाँ पर, तो उसको छानबीन के क्रम में वो महिला का शव मिला, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, अज्ञात थी और उस पर कांड दर्ज किया गया हम लोगों के द्वारा में और इसका सफल उद्भेदन हुआ। पहले तो अज्ञात महिला को ज्ञात किया गया, क्योंकि उसका हाथ में रूपा और अनिल का नाम का गोदना गोदा हुआ था, उसके आधार पर उसका पहचान किया गया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद मिली तो उसके मां के द्वारा उसका शव का शिनाख्त किया गया और अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उसका पति से अनुबंध चलता था किसी बात को, क्योंकि उसका पति को शक होता था कि उसका दूसरे पुरुषों से संबंध है। इसी आधार पर हम लोगों ने अनुसंधान किया और इसका सफल उद्भेदन किया। साथ ही साथ इस घटना में संलिप्त जो जिसने हत्या किया उसका पति अनिल पासवान, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और इस तरह का कानून भी खुलता है तो एक अच्छा पुलिस के लिए और जनता में अच्छा मैसेज आता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उसको हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा।